नमस्ते। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृतर्पण की सबसे छोटी विधि हम देखते हैं। हम घर ही घर में ये एक मिनट में कर सकते हैं। हमने दक्षिण दिशा में फेस करना है। मैं बैठी हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे दक्षिण दिशा है। हमारे पास में पानी है, इसमें जल है। ओम पितृदेवताय तृप्यन्ताम्। ओम पितृदेवताय तृप्यन्ताम्। ओम पितृदेवताय तृप्यन्ताम्। हमारे पितरों को हमने नमन करना है और ये सबसे छोटी विधि हो चुकी है। इसमें डिटेल्ड विधियाँ भी होते हैं, तो आप जितना इच्छुक हैं उतना आप कर सकते हैं। अगर हम और डिटेल में देखें तो सबसे पहले हमने स्वयं को शुद्ध करना होता है, तो पहले हाथ धो लेंगे। डिटेल विधि जो है ये अभी हम देख रहे हैं। हाथ धो लिया हमने पहले। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हाथ धो लेंगे। ओम गोविंदाय नमः। जल जो है ये बाजू में आप छिटकते, थोड़ा सा जल लेंगे, उंगली रख के इसमें बोलेंगे, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम शांति शांति शांति। स्वयं के ऊपर तीन बार छिड़क देना है और आसन पे भी छिड़क देना है। तो आसन शुद्ध हो गया, हम शुद्ध हो गए हैं। इसके बाद में संकल्प ले। संकल्प लेने के लिए दोबारा हमने जल लेना है और आप जो भी जिस कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं वो आप अभी कह सकते हैं। और ये कहते वक्त आप आपके भाषा में आपका नाम, आपको गोत्र पता हो तो गोत्र, आप जिस जगह से कर रहे हैं ये सब आप कह के आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं मंजूश्री राठी गोत्र नासिक से ये आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये कर रही हूँ। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हम लोग जब भगवान जी को जल चढ़ाते हैं तो हमेशा हमने ये उंगलियों से जल चढ़ाना है। जब हमने दिव्य मनुष्य देवताय तृप्यन्ताम ये भी जब हम बोलते हैं, ये उत्तर दिशा में देख के बोलते हैं, तब हमने यहाँ से जल हमने चढ़ाना है। और जब हम पितरों को जल चढ़ाते हैं तब हमने यहाँ से जल चढ़ाना है। वैसे ही हम इसके साथ में जो ये कूचा ग्रास होता है, इसका आप एक्चुअली में भी एक रिंग बना के आप पहन सकते हो, या तो फिर आप ऐसे ही पकड़ ले और ये पकड़ के जब हम जल चढ़ाते हैं तो ये जो जल है ये कूचा ग्रास को लगते हुए और आपके अंगूठे को लगते हुए यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। तो ये जो बीच का गैप है अंगूठे का और फोर फिंगर का, इसके बीच के गैप में से ऐसे नीचे गिरना चाहिए। इसी के साथ में आप दिया जलाइए, आप फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती लगाइए, धूप लगाइए और काले तिल खास तौर पे अर्पण करते हैं पितरों को। और अगर आप देवता मनुष्य सप्तर्षि और ये भी करना चाहते हैं तो देखिए तरीका क्या है, आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने पूर्व दिशा में फेस करना है और पूर्व दिशा में फेस करके हम ये करेंगे, ओम दिव्य देवताय तृप्यन्ताम्। ओम दिव्य देवताय तृप्यन्ताम्। ओम दिव्य देवताय तृप्यन्ताम्। ओम सप्तर्षि देवताय तृप्यन्ताम्। ओम सप्तर्षि देवताय तृप्यन्ताम्। ओम सप्तर्षि देवताय तृप्यन्ताम्। ये अभी हमने पूर्व दिशा में देखा है। अभी उत्तर दिशा में देख के हमने तर्पण देना है, तो वो हम कैसे देंगे, इस तरीके से। अभी मैं उत्तर दिशा में फेस कर रही हूँ। ओम दिव्य मनुष्य देवताय तृप्यन्ताम्। तो जल यहाँ से गिर रहा है। ओम दिव्य मनुष्य देवताय तृप्यन्ताम्। ओम दिव्य मनुष्य देवताय तृप्यन्ताम्।
फिर दोबारा आपने दक्षिण दिशा में फेस करना है। तो मेरे सामने अभी दक्षिण दिशा है, पितरु को जल अर्पण करेंगे। ओम पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम पितृदेवताय तृप्यंताम। इसमें अगर आपको ज़्यादा समय है, आपके पास कुशा है, काले तिल है, तो कुशा के ग्रास ऐसे आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे काले तिल यहाँ पे रख लीजिए, और फिर आप जब आप ये तर्पण विधि कर रहे हैं तब तीन पीढ़ी जो है इन्हें हमने तर्पण देना होता है, तो वो भी आप कह सकते हैं। ओम वासु पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम वासु पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम वासु पितृदेवताय तृप्यंताम। वासु यानी हमारे फादर्स के जेनरेशन के, फिर उसके बाद में रुद्र, ओम रुद्र पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम रुद्र पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम रुद्र पितृदेवताय तृप्यंताम। उसके बाद में आदित्य, रुद्र जो है ये हमारे ग्रैंडफादर के जेनरेशन के, और उनके भी जो फादर है उनके जेनरेशन के सभी को आदित्य बोलेंगे। ओम आदित्य पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम आदित्य पितृदेवताय तृप्यंताम, ओम आदित्य पितृदेवताय तृप्यंताम। उन्हें नमन करें, नमस्कार करें, और कहें कि आपको सद्गति मिले, आपके सद्गति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और आपकी कृपा हम पर बनाए रखें।